नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की, जिसका लोग पालन भी कर रहे हैं। आज लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें काफ़ी छूट भी दी गई है। इसी बीच सरकारी फंड पीएम केयर्स में लोग अपना सहयोग राशि भी दे रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम करावल नगर के निगम पार्षद मास्टर सत्यपाल सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राणा और महामंत्री उत्तम सिंह चौहान की उपस्थिति में कुछ समाज सेवियों ने अपने सहयोग राशि का चेक भेंट किया, जो पीएम केयर्स में दिया जाएगा। इस दानकर्ताओं में पूरन यादव, महावीर प्रसाद यादव, रामचंद्र गुप्ता, राम प्रसाद स्वामी, शंकरलाल यादव और मंजय कुमार उपस्थित थे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आज जो आप यहाँ आए हैं, तो क्या कार्यक्रम था, कैसे बताएंगे? पूरे विश्व में एक वैश्विक बीमारी फैली हुई है कोरोना के नाम से, उससे भारत भी प्रभावित हुआ है और भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर एक सुविधाएं दी हैं और लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के होते हुए बहुत से सरकार के काम बंद हो गए हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब ना हो, इसीलिए आज हम अपने न्यू सभापुर में अपने कुछ व्यापारी भाई हैं, इनका समय समय पर समाज के लिए योगदान रहता है और इसीलिए सबने मिलकर के ठाना कि हम भी अपने माध्यम से अपना सहयोग राशि देकर के पीएम केयर्स में प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए एक धनराशि स्वेच्छा से, जिसकी जितनी इच्छा है उतनी सभी ने आज राशि भेंट की है और क्षेत्र का निगम पार्षद होने के नाते इन्होंने बुला करके सम्मान करते हुए ये राशि दान दिया। ये सब राशि प्रधानमंत्री के राहत कोष में जमा होगी, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत होने में इनका एक योगदान रहे। और जो दान होता है, जो योगदान होता है, ये बहुत बड़ा सामर्थ्यवान लोग इसको करते हैं, बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, पैसे का महत्व नहीं है, बात यह है कि उनकी भावना, आदर्श स्थापित करना, अपने प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करना, देश को मजबूत करने के लिए, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इन सभी भाइयों ने मिलकर के चेक दिए हैं और ये सारे चेक प्रधानमंत्री की राहत कोष में जमा करेंगे। इनका भी योगदान देश के लिए, दिल्ली के लिए है। मैं इन सब की अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इसी तरह से समाज सेवा जिस तरह से आज इन्होंने किया और करते रहे हैं। अभी जो मैंने पिछले दिनों लॉकडाउन में देखा, इन सब ने मिलकर के अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति को भूखे नहीं सोने दिया, सबका योगदान किया, साथ दिया और सबके भलाई में ही सबकी भलाई है, इसीलिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए। जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक में आपके वार्ड के माध्यम से कितना धनराशि एकत्रित हुआ है पीएम केयर्स? ये कई स्तर पर हुआ है, लेकिन जो मेरे अपने स्तर पर है, जो मुझे लोगों ने दिया है, लगभग 3,17,000 के लगभग के अमाउंट के चेक मेरे पास आए। यहाँ से भी दिए हैं, मुकंदिहार से भी दिए हैं, भगत सिंह कॉलोनी से भी दिए हैं, न्यू सभापुर से भी है, पश्चिमी करावल नगर से भी है, लेकिन मैंने किसी पर इसके लिए कोई दबाव नहीं दिया कि नहीं आपको इतनी राशि देनी है। जिसने स्वेच्छा से दिया, जो भी दिया, तो उन लोगों ने मदद की है और इन सब एक राशि को लेकर के मैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और संख्या मंत्री जी को इनको भेंट दूंगा और ये सारे के सारे पी एम केयर्स में जाएंगे। आज लॉकडाउन का चौथा दिन प्रारंभ हो गया है, अब जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा, ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी है जिसका अभी कोई इलाज नहीं है, कोई इसके लिए दवाई बनी नहीं है, इसमें बचाव ही सुरक्षा है। जितनी आप सामाजिक और शारीरिक दूरियां रखेंगे, उससे ही इस बीमारी को हम परास्त कर सकते हैं, भगा सकते हैं भारत से। और विश्व के स्तर पर यदि हम नज़र डालते हैं तो भारत पर बहुत क्षणिक इसका असर है और वो असर भी उन लोगों के कारण हुआ जो लोग विदेशों से हमारे यहाँ आए और बहुत खुशी से और तन मन धन से काम कर रहे हैं। और जब जब हमारी सरकार इतने तन धन मन से काम कर रही है तो हमारा भी मन ऐसे ही काम कर रहा है कि हम समाज के लिए काम करें। क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि निस्वार्थ भावना से काम करें और जो भी हो सके अपने पीएम केयर्स में कुछ पैसे जमा कराएं और गरीबों के लिए कुछ भला करें और जो भी है और भी काम कर सकते हैं।
यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।